हेलो एवरीवन, माय सेल्फ एसआर यादव। आज हम एलएलबी सेकंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड यानी संवैधानिक विधि द्वितीय के संबंध में आपसे मुखातिब हैं। तो इस कक्षा में हम एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड यानी संवैधानिक विधि द्वितीय के संबंध में चर्चा करेंगे। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, उसमें कुछ टॉपिक अकॉर्डिंग सिलेबस थे उनके बारे में डिस्कशन किया था। और शेष जो टॉपिक हमारे संविधान के बचे हुए हैं एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में सेकंड पेपर के रूप में रखे गए हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस सबसे पहला टॉपिक आता है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्या है उसके बारे में हम इस टॉपिक के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का इंट्रोडक्शन परिचय। तो इंट्रोडक्शन या परिचय में सबसे पहले लिखा हुआ है भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा अर्थात अधिकार पत्र कहा जाता है। अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा इस फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। इन फंडामेंटल राइट्स को अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा है क्या? इस अधिकार पत्र द्वारा यानी मैग्ना कार्टा के माध्यम से 1215 ईस्वी में ब्रिटिश के नागरिकों ने ब्रिटिश के सम्राट जॉन से अपने नागरिकों की सुरक्षा प्राप्त की थी। तो कहने के तौर पर जिस तरीके से 1215 ईस्वी में ब्रिटिश के सम्राट जॉन ने वहाँ के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की थी, उसी तरीके से भारतीय संविधान के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भारतीय नागरिकों के संबंध में उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों के संबंध में जो प्रथम संविधान शास्त्री हैं वीजी रामचंद्रन, उनका कहना है कि भारतीय संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकार है वो एक अधिकार पत्र के रूप में है। न्यायमूर्ति हेगड़े का कहना है कि संविधान में मूल अधिकारों को स्थान देने का मुख्य उद्देश्य देश में एक विधि द्वारा स्थापित सरकार, विधि द्वारा संचालित सरकार की स्थापना करना था, न कि मानव द्वारा संचालित सरकार की। न्यायमूर्ति के सुब्बाराव का मानना है कि जो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हैं वह नैसर्गिक अधिकार हैं, अप्रतिदेय अधिकार हैं, अर्थात ये नेचुरल राइट्स हैं, नैसर्गिक अधिकार और अप्रतिदेय अधिकार हैं। इनका हरण नहीं किया जा सकता है, इनको वापस नहीं लिया जा सकता है। न्यायमूर्ति वेग ने मौलिक अधिकारों के संबंध में कहा है, न्यायमूर्ति वेग का मानना है कि मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो स्वयं संविधान में समाविष्ट हैं। इन अधिकारों को संविधान में समाविष्ट किए जाने का मुख्य उद्देश्य उन मूल्यों का संरक्षण करना है जो एक स्वतंत्र समाज के लिए अपरिहार्य थे, आवश्यक थे। तो न्यायमूर्ति वेग का मानना है कि जब तक फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को नहीं प्राप्त होंगे तब तक एक स्वतंत्र समाज की स्थापना नहीं हो सकती। तो एक स्वतंत्र समाज की स्थापना के लिए जो राइट्स अपरिहार्य थे, जो अधिकार अनिवार्य थे, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इन फंडामेंटल राइट्स के संबंध में जो मूल भारतीय संविधान में बताया गया है, जो हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस दौरान मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इनमें से एक मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 पर संपत्ति के अधिकार के रूप में था, उसे विस्थापित करके अनुच्छेद 300A में एक संवैधानिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। अर्थात वर्ष 1978 के पश्चात में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है, क्योंकि जो 7वां अधिकार था उसको रिप्लेस कर दिया गया। तो इस तरीके से वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में 7 मूल अधिकार हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था।
तो इस तरीके से आपने देखा कि मौलिक अधिकार छह प्रकार के बचे हैं जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या क्या हैं, कैसे कैसे चलते हैं। तो वही इसमें दिया गया है मूल अधिकार अग्निखित प्रकार से हैं। अब अग्निखित प्रकार से कौन कौन बताए गए? नंबर एक बताया गया है समता या समानता का अधिकार। समता का अधिकार या समानता का अधिकार से कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो होता है ये आपका अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जाएगा, यानी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म मूल वंश जात लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों से विभेद नहीं किया जाएगा, यानी विभेद को प्रोत्साहित करता है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समता प्रदान की जाएगी। 17 के अंतर्गत अनटचेबिलिटी छुआछूत का अंत है और 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत बताया गया। तो इस तरीके से अनुच्छेद 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी पहला फंडामेंटल राइट समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तो जैसा कि अनुच्छेद 19 में बताया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत बताया गया है अपराधों के विरुद्ध संरक्षण जो प्रदान किया है तीन प्रकार से एक्स प्रोस्पेक्टो लॉ WTO पार्टी सेल्फ रेगुलेशन। तो इस तरीके से अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसको जो हम टॉपिक चलेंगे मूल जो हमारा आर्टिकल है उस पर चलेंगे उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारियों से संरक्षण बताया गया है। तो ये हमारे जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार की कोटि में आते हैं जो सेकंड नंबर का फंडामेंटल राइट्स है। तीसरे नंबर का जो फंडामेंटल राइट्स है मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये जो है अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत परिभाषित है। अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत जो तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथे नंबर पर चलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित बताया गया है जो किस तरीके से अंतःकरण धर्म को अवाध रूप से मनाने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन करने का 26 के अंतर्गत, 27 के अंतर्गत जो टैक्स धार्मिक संस्थाओं पर नहीं लगाया जाएगा और 28 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जो अधिकार होगा अपनी धार्मिक संस्थाओं के पास उनका संचालन कर सकता है शासन कर सकता है और पोषण कर सकता है। तो इस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक बताया गया है वो आपका चौथा फंडामेंटल राइट है, चौथा मूल अधिकार है। आगे चलते हैं पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित का, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। तो शिक्षा और संस्कृति को बनाए रखने के संबंध में जो अधिकार बताया गया है अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत। और आगे आते हैं छठवें नंबर जो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32-35 अनुच्छेद 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस तरीके से अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है संवैधानिक उल्लंघन होता है तो ऐसी व्यवस्था में उसको रेमेडी जो प्राप्त होती है अनुच्छेद 32 से 35 तक और 32 में मूल रूप से हमारे जो रिट्स होती हैं उनके माध्यम से न्यायालय प्रदान करवाते हैं। और लास्ट में जो घटका है सातवें नंबर पे संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 ओनली फॉर जम्मू एंड कश्मीर जे एंड के लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मात्र जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू है। तो इस तरीके से आपने देखा हमारा फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन, इसमें एक इंपॉर्टेंस के सवाल भी आता है एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के दायर 1952 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिधारण किया कि मूल अधिकार ऐसे आधारभूत अधिकार हैं जो व्यक्ति के बौद्धिक नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, इसके अभाव में व्यक्ति का बहुमुखी विकास नहीं हो सकता है।
जो हम हमारा जो एक गोपाल एक गोपाल बनाम स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1952 इसको नीचे लिख देता हूं, उधर दिखाई नहीं पड़ेगा। AIR 1952 SC 27। तो ये एक गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के आयर 1952 SC 27 के माध्यम से मैंने उच्चतम न्यायालय में अभी निर्धारित किया कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हैं, ये एक ऐसे अधिकार हैं इनके बिना व्यक्ति का नैतिक आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। अर्थात व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए इन तीनों प्रकार के विकास के लिए जो कि बौद्धिक नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास है वो बिना फंडामेंटल राइट्स के पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनको संविधान में रखना आवश्यक है। तो इस तरीके से इस कक्षा में हम फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के इस टॉपिक में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।